हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका विक्रम बिस्ट एक नई वीडियो के साथ। आज काफ़ी टाइम बाद मैं एक पार्क में आया हूँ। काम चल रहा था, पूरा रिनोवेशन हो रहा था इसका, तो यहाँ पर आया था तो देखा यहाँ बहुत काफ़ी चेंजिंग हुई है। तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड दीपक है, तो दीपक साहब बताएंगे कि हेलो दोस्तों, बताओ दीपक सर क्या क्या होने वाला, क्या हुआ यहाँ पे, क्या है क्या नहीं है। कुछ नहीं, अभी काम प्रोग्रेस पे है, चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो 2 से 3 महीने लगेंगे उसको। मैंने सुनने में आया कि यहाँ पे कल कुछ यहाँ पे होने वाला है, प्रोग्राम होने वाला है। हाँ, एक मैराथन दौड़ वगैरह का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ इसका, यहाँ का पार्क का भी काफ़ी चेंज हो गए। यहाँ पे एक ऑडिटोरियम बना है, बड़ा अच्छा बन गया ऑडिटोरियम यहाँ का, बेहतरीन है। अभी मैं फ़िलहाल आपको अंदर से नहीं दिखा सकता उसके, मगर उसके सारे गेट्स लगे हुए बंद हो रखा है, तो उसके बाद में दिखाता हूँ। दीपक भाई हमें बताएंगे, कुछ बताइए दीपक भाई, क्या कर रहे हैं, आए हो तुम यहाँ पे। कुछ नहीं, सैटरडे है तो एंजॉय करने आ रहे हैं, भाई से मिलने आ रहे हैं। चलो थोड़ा पार्क में जाते हैं, पार्क की फ्रेश एयर लेते हैं और मिलते हैं भाई से। चलो, आज दीपक भाई से भी मुलाकात होगी, काफ़ी टाइम है। दीपक भाई हम कितने टाइम में बात मिल रहे हैं, कितना बहुत 3 मंथ्स हो ही गए हैं। आज दीपक भाई से मुलाकात हो गई है। मैं उस दिन जो आपको मैंने इससे पहले जो मेरी एक वीडियो अपलोड हुई थी, तो मैं इन्हीं भाई का बात जिक्र कर रहा था आपसे कि अगर उनका फ़ोन लगता, अगर वो उनकी छुट्टी होती है तो वो नहीं मिलेंगे क्योंकि वो घर चले जाते हैं। अगर छुट्टी नहीं होगी तो क्योंकि उनका फील्ड का वर्क है तो वो मिल जाते। तो भाई साहब हमारे यही हैं, जैसे मैं उस दिन मिलाना चाह रहा था, उस दिन उनके साथ बैठ के आपको मिलवाता वीडियो के थ्रू आप सभी को। तो भाई साहब हमारे यही हैं, दीपक भाई हैं। तो दीपक भाई आज क्या करने वाले हैं, किधर घुमा रहे हो आज। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, डिसाइड कर रहे हैं कहाँ चलेंगे, बताते हैं, प्लानिंग करके बताते हैं, फिर उसके बाद आपको फिर नई जगह भी ले जाएंगे, हो सकता है दीपक भाई हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, यहाँ के पार्क का और ऑडिटोरियम में दिखाता हूँ थोड़ी देर में पूरा नज़ारा। आगे भी आप देख रहे हैं कि ये पार्क है, पूरा रिओग्रांड किया था इसको, दोबारा से बनाया है। दोबारा बना के आप देख सकते हैं चारों तरफ ही इसको पूरी इसको चेंज किया था, इसकी खुदाई हुई थी। फोर के लिए, वॉक एंड थॉन के लिए आप देख सकते हैं। तो ये हैं, इनका कल है सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक है। तो आप ये देखिए, ऑडिटोरियम है पूरा का पूरा, ऐसा बन गया, तैयार हो गया पूरा। मैं आपको ये चीज़ें दिखाता हूँ। अभी मैं आपको पार्क दिखाया आपका, मैंने यहाँ पे इसका ऑडिटोरियम भी दिखाया। तो ऑडिटोरियम अभी बन गया है, और कल जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे वॉक एंड थॉन मैराथन है, जो अवेयरनेस है, जो उसके लिए वोट अवेयरनेस के लिए काम होगा उसके आएंगे, क्योंकि लोग आजकल अभी पूरे इंडिया में वो चल रहा है, वोट का चल रहा है, तो उसको अवेयरनेस करने के लिए कि लोगों को वोट देना चाहिए, कि वोट आपका अहम भूमिका निभाती है एक अच्छी सरकार, अच्छी गवर्नमेंट लाने के लिए। जो बंदा अच्छा काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, उसके लिए तो उस लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। तो कल सुबह यहाँ पे 5 बजे से है, तो आपको 5 बजे से और सुबह 5 बजे से 9 बजे तक है, अवेयरनेस के ऊपर है वो वोट, क्योंकि आपको वोट देना ज़रूरी चाहिए।
जो लोग वोट नहीं देते हैं उनको वोट देना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं तो यहाँ पर आया हूँ अपने फ्रेंड के साथ आया। एक्चुअली जहाँ हो रहा है ये गुड़गांव में हो रहा है, कमला नेहरू पार्क में, गुड़गांव में ही है। तो जो भी मेरी ये जो वीडियो देखेगा तो ऑब्वियसली जो बाहर के होंगे वो तो देखेंगे, वो तो नहीं आ पाएंगे, मगर जो गुड़गांव में रहते हैं वो ज़रूर आना है। यहाँ पे सुबह 5 बजे से और 9 बजे तक है वोट का अवेयरनेस है। वोट के बारे में बताएंगे, उन लोगों को क्यों वोट देना चाहिए, सारा कुछ आपको बताएंगे। आपका सुबह जो भी है यहाँ पे आपका ब्रेकफास्ट भी होगा, जो भी है लड़के के हैं, तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे मैं यहाँ एक्चुअली मैं तो आया भी था, इस काम से नहीं आया था, मैं आया था अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। कि जो फ्रेंड जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं जो फ्रेंड से मिलना चाह रहा था कि वो आया नहीं था उस टाइम, वो बिज़ी था, तो वो फ्रेंड्स मैंने आपको भी दिखाया, तो वो मेरे को अभी मिला था, तो उसके साथ आया था। तो मैंने कहा चलो यार, क्योंकि यहाँ पे कल संडे को होने वाला है, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ से चलेंगे तब मैं आपको जहाँ भी चलेंगे तो आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो भाई दीपक भाई ये बताना है कि अभी हमने कोई बताया नहीं, बनाया नहीं है कि कहाँ का प्रोग्राम है हमारा जाने का। दीपक भाई एम्बियंस चलते हैं, एम्बियंस जाओगे, चलो वहाँ चलेंगे, जब एम्बियंस जाएंगे वहाँ मिलेंगे आपसे। ठीक, हमारे दीपक भाई कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को, आप एक्चुअली मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो और भी हैं और देना, दीपक भाई हमारे मैसेज देंगे। हाँ जी दीपक भाई, आप बताइए क्या क्या मैसेज शो ऑफ करना चाह रहे हो भाई? यार इतना मेहनत करके वीडियो बनाता है हम लोगों के लिए, तो थोड़ा दीपक भाई तेज बोलिए, क्योंकि हमें भी नहीं सुनाई दिया, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो मेरे भाई बंधु हैं जो देखते हैं। भाई की वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है। तो भाई की बात याद रखना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूरी प्रेस करना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके पास मिलती जाए जो भी आएगी वीडियो। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, एक्चुअली हम कहीं जा नहीं पा रहे क्योंकि हमारे दीपक भाई को भी काम आ गया है और मेरे को भी काम आ गया है, तो अभी अब कहीं और जा रहे हैं, तो वहाँ पर शायद मैं बना नहीं पाऊँगा। दीपक भाई के साथ कभी फिर आएंगे, फिर मिलेंगे दीपक भाई के साथ, फिर दिखाएंगे आपको उनके साथ काम, उनके साथ आपको आपकी वीडियो, हमारी वीडियो आप लोग देखेंगे फिर। ओके सर। ओके भाई। हेलो दोस्त, अभी मैंने वीडियो ख़त्म नहीं करी थी, मैंने कहा था ना कि हम नई जगह जाएंगे, तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड दीपक था, तो अब दीपक तो नहीं है, उसकी जगह अब आपका विनोद आ गया है। तो विनोद साहब आज अभी हम किधर आए हुए हैं? सेक्टर फोर की मार्केट में, गुड़गांव में, और आज विनोद हमें क्या खिलाएगा? भाई विनोद, क्या चीज़ है यहाँ की प्रसिद्ध चीज़, क्या है जो हमको तुम खिलाओ? यहाँ पर काफ़ी लगे हुए हैं ठेले, मतलब खाने के स्टॉल लगे हुए हैं, तो यहाँ में खाने सब में कुछ मिलता है, नॉन वेज वेज जो आपको अच्छा लगता है, स्नैक्स है, उसमें क्या चीज़ है बढ़िया खाने के लिए? खाने के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा, मैं भी काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, एक बैग हमारे पास आ रहा है, अरे क्या बोलें, वो तो आते रहते हैं। चलो आगे देखते हैं, आगे हमें क्या मिलता है और आगे 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 हमें देखते हैं। तो विनोद भाई मांग रहे, विनोद भाई मांग रहा था पैसे, विनोद भाई से पैसे मांग रहा था, तो हम 10 रुपीज़ दे दिए मैंने, तो हम ऐसी चीज़ देते नहीं हैं लोगों को, ऐसे देने से वो होता है। तो विनोद भाई हमें क्या खिला रहे हो और क्या चीज़ है यहाँ पे खाने की, अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमारे पास आएगी, देख लेते हैं क्या खाएंगे। तो आप लोग बताइए हमें क्या खाना चाहिए यार, हम तो खा रहे हैं, हम तो बताएंगे कि क्या क्या अच्छी चीज़ है यहाँ पे। अब विनोद से पूछ रहे हैं हम, विनोद साहब हमें बताइए कि क्या करें।
सजेशन बहुत दे रहे हैं खाने के लिए, मगर आपको क्या चाहिए, क्या खाएं विनोद? कंफ्यूज हो रहे हैं हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने बताओ ना कि भाई अपने व्यूअर्स को बताओ, मेरे व्यूअर्स को बताओ, मेरे दोस्तों को बताओ जो खाले वीडियो निकले थे। यहाँ पे कुछ है जो पसंद करना चाहते हो, खास वेज और वेज के अंदर, जो वेज अच्छा लगता है तो मैं वन चाप। हाँ तो वो नॉन वेज वाला, वेज वाला मैं नॉन वेज वाला हूँ, वेज खाते तो भाई कंफ्यूज हो रहा है हम लोगों पे कि हम गोलगप्पे खाएँ या काठी रोल खाएँ, और या अब हम हमारे इधर साइड में वो लगा हुआ है क्या कहते हैं चाप लगे हुए हैं, तो चाप के लिए हो रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा डिसाइड करते हैं, डिसाइड करके हम आपको बताते हैं कि हम क्या खाएं, जब खाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। तो हमारा अभी डिसाइड हुआ है मोमोज खाने का, वेज मोमोज खाने का, तो हम वेज मोमो खाएंगे। अभी दिखाता हूँ, देखो भाई वेज मोमोज आ गए हमारे लिए, ये विनोद साहब जा रहे हैं। ओहो वेज मोमोज ले लिए हमने, विनोद साहब एग रोल भी है, सब कुछ है। तो फिलहाल हमें हमारा डिसाइड हुआ है मोमोज खाने का, तो वेज मोमोज अब मसाला चढ़ गया है इसमें विनोद, अभी विनोद मोमोज खाते हुए हम खा रहे हैं मोमोज। मैच बहुत तेज हो रही है, विनोद मोमोज खा रहा है। विनोद तेज कैसा है भाई? मिर्च बहुत ज़्यादा लग गई है, मिर्च बहुत है इसमें, और अभी हम भी टेस्ट कर रहे हैं, मगर अभी एक टेस्ट किया था उसमें हमारा मिर्च बहुत ज़्यादा हो गया। मिर्च बहुत है, अभी मोमोज खा रहे हैं, मोमोज खा के देखते हैं क्या करेंगे अभी। आप देख रहे हो पूरी मार्केट है, हम मार्केट में लगे एक एक जगह मार्केट है, और सारा का सारा ऐसे आपको दिखाकर अभी ताकि आपको मिर्च बहुत है यार। हमने चटनी जो खाई है उसको लगा के खाइए, मोमोज करते वो मिर्च बहुत है इसमें, खा नहीं जाती इतनी तेज मिर्च है। तो मैं आप यहाँ पर खाता हूँ। अब हम यार चाउमिन रोल खा रहे हैं, चाउमिन रोल हमारा, अब आ गया विनोद साहब, हमारा चाउमिन रोल बोल रहा है। विनोद क्या बोला तू उसको? और भाई खोले विनोद भाई खोल ले चाउमिन के रोल्स को। ओह धन्यवाद विनोद साहब, तवर साहब है हमारे। चाउमिन रोल खा रहे हैं, म्योनी से चिल्ली नहीं है, दोनों मिक्स करके खा रहा है। बहुत बड़ा तीखा खाता है यार, तीखा नहीं है मीठा, मीठा है कलर हम भी लगाते हैं। ग्रेट है, तो अभी हम ये खा रहे हैं। काफ़ी सालों से खा रहे हैं, हाँ वैसे भी काफ़ी सालों से खा रहे हैं, तो आज हमें लगा कि आज दिखाते हैं आपको कि अब वैसे एक्चुअली यह सेक्टर चार की मार्केट है गुड़गांव में। तो अभी यहाँ सैटरडे है, सैटरडे की शाम है, तो हमें तो एक्चुअली हमें जाना था सेक्टर 14 मार्केट में, तो वहाँ पर टाइम हमको मिल नहीं पाया उधर जाने का, क्योंकि उधर उधर से एरिया में जाम लग रहा है, काफ़ी ट्रैफिक है, क्योंकि सैटरडे है तो सैटरडे में हर जगह जाम रहता है, क्योंकि सब अपने इधर वीकेंड का दिन है तो सारे जाते हैं। तो हमें सबसे नज़दीक ये पड़ रहा था कि यार यहाँ पर जाम में नहीं है, तो हम यहाँ पर पहुँचे। चलो नेक्स्ट टाइम मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, सेक्टर 14 की मार्केट है वो भी दिखाऊंगा, उसमें भी आपको दिखाएंगे। उसमें एक स्पेशल चीज़ है वहाँ की चाय, वहाँ पे एक चाय वाला मंगल, उसका नाम है मंगल, जो चाय बनाता है बिल्कुल बहुत ही बढ़िया चाय बनाता है। रीजनल रेट में 10 रुपये की चाय है, और 10 रुपये में तुमको इतना बढ़िया चाय बना के देगा जो हम घर पर भी नहीं बना सकते, क्यों बनाओ? तो वो चाय हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे, जब वहाँ पे जाएंगे तब आपको बताऊंगा कि वहाँ पे वो चाय इतनी फर्स्ट क्लास बनाती है, बनाता है मंगल है उसका नाम। तो वो है, तो अभी हम रोल खा रहे हैं, चाउमीन रोल, बस आप अभी खाता हूँ पहले खा के फिर आपसे बात करता हूँ। अब हमने रोल ले लिया, रोल खा लिया, तो अब हम यार मिर्च भी लग रही थी काफ़ी, ठंडा भी लेना, तो अभी हम आइसक्रीम खाने आए हैं, क्वालिटी की कौन सी लेंगे? अरे नहीं है, अरे नहीं, स्टिक वाली लेंगे हम,
तो स्टिक वाली खाएंगे। तो भाई अभी बता दो भाई, हमें ऑरेंज दे दे यार। और भाई साहब आइसक्रीम निकालना भाई, देख लो भाई आइसक्रीम निकालना भाई साहब, हमारे भाई क्वालिटी है, क्वालिटी की आइसक्रीम है। तो आ गई हमारी, ये हमारी ऑरेंज है। और विनोद साहब काटेंगे भाई, विनोद साहब लेंगे एक एक, एक आइसक्रीम। हम इसके पीछे बैठ जाते हैं। हाँ विनोद, अभी ऑरेंज खाते हैं हम आइसक्रीम। मैं गर्मी में हो रही है यार, और खास में अभी मोमोज खाया था, वेज चाउमीन खाया था, वेज चाउमीन मतलब वेज रोल खाया था, चाउमीन रोल खाया था। मिर्च लग रही थी और हमने कहा यार चलो आइसक्रीम खा लेते हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। भाई बंद भाई ने हमको आइसक्रीम खिलाई, विनोद भाई ने आइसक्रीम खिला दी हमको। दिखाता हूँ आपको मार्केट का नज़ारा भी दिखाता हूँ, लोग बाग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, वीकेंड का दिन है, वीकेंड में सब लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने आते हैं, खाने आते हैं, बाहर इंजॉय करने आते हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब दोस्तों मैं घर आ गया हूँ, अब यहाँ पर मैं अपनी वीडियो एंड करूँगा, गेट लगा रहा हूँ। तो मैं अब आप यहाँ पर वीडियो एंड करूँगा, घर आ गया। जो भी चीज़ दिखानी थी आज सुबह से, जो मैंने आपको बताया कि अपनी वोट का अवेयरनेस होनी चाहिए, और जो आजकल तो माहौल चल रहा है वोट का, वोट देने का, तो सब अपनी राजनीति में चल रहे हैं। तो मैं अपनी उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। तो वोट सबको डालना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि आपको वोट सबको करना चाहिए, चाहे अभी नए यूथ आए हैं जो 18 साल के अभी बहुत हुए हैं, तो वो भी न्यू जनरेशन जो 18 साल की हुई है अभी नहीं, तो वो डालेंगी। अंधेरा हो गया, तो हमें वोट का प्रयोग करना चाहिए, इससे चाहे वो गलत हो चाहे सही हो उसे मतलब नहीं है, मगर हमको अपनी वोट का प्रयोग करना अनिवार्य है, वोट करना चाहिए। और मैंने जो भी चीज़ दिखाया था वो भी हर चीज़ दिखा रहा हूँ। तो आपको मैं बस अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। तो सुबह जाऊँगा आज, हाँ कल सुबह जाना है मेरे को, तो मैं अभी उसके बारे में बताऊँगा सुबह, क्योंकि सुबह है एक मैराथन है, तो उसमें सारा कुछ सब कुछ बताया जाएगा। तो उसमें मैराथन है कल सुबह 5 बजे से और सुबह के 9 बजे तक, तो उसमें मैं वहाँ का भी दिखाऊंगा आपको, कल सुबह उसके भी नज़ारा दिखाऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को। इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपकी सीधी आपके पास सीधा सीधा नोटिफिकेशन जाए कि मैंने कोई वीडियो अपलोड करी है, वो आपके पास पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो भाई लोगों सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। उसके बाद आप मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स ज़रूर करना भाई साहब। आप कमेंट्स आप नहीं करते हो, कमेंट्स ज़रूर करना आपको मेरे बारे में, ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो आप लिखिए। अगर आप इससे बेहतर करना यानी कि बेहतर चाहते हो तो आप बताओ कि मेरे को क्या क्या करना चाहिए, क्या मैं उसमें इम्प्लीमेंट करूँ उस वीडियो में, तो आप प्लीज़ दोस्तों आप बताएं। और मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना। ओके बाय।